थैंक यू। मैं यार ये देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ अभी कुछ। क्या यार ढूंढ रही हूँ, गाना कौन सा था, मिल ही नहीं रहा। कौन सा गाना है यार, गो बैक टू मंथ्स। मेरे पास होंगे यार, रुको मुझे वो लगाने दो। कौन है, कौन है, कौन आया? अरे सलाम सलाम सलाम, आज क्यों लेट मैडम? बस आज मेरा मूड नहीं था, आज थोड़ा दिमाग घूमा हुआ था, ट्रैवल किया ना, थकावट बहुत हो गई थी तो सर दर्द भी। आजू वेलकम। और मुझे उधर जाना था, थोड़ा काम था साइबर क्राइम के ऑफिस, किसी की बैंड बजानी थी, वहाँ गई हूँ तो काम हो जाएगा मेरा 48 आवर्स में। एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, किसी की बैंड बजने वाली है। आप लोगों को पता है किसकी बैंड बजने वाली है? वॉज माई ब्रदर मान पेपर, और उसने पेपर ही नहीं दिया, इतना निकम्मा तरीन इंसान है वो। उसने पेपर, हाय सुलभ, नमस्ते दर्शन, किसी बैंड बजने वाली है तो हाँ देखते हैं 48 आवर्स तक आ जाएगी, आ जाएगा रिजल्ट भी, देख लेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या होगा। ओके आयत, आयत वी नो हु इज दैट, किसी की बैंड बजवानी थी, इसकी बैंड बज जाएगी तो टिक। गाइस आप लोग क्या कहते हो, एक मौका देना चाहिए या नहीं, या 3 साल की जेल ही हो? एक मौका देना चाहिए, 3 साल की जेल हो डायरेक्ट? नो नो नो, मैं यार मैं अभी भी कह रही हूँ कि सुधर जाएं। नो, सब नो नो बोल रहे हैं। मैं नहीं, अभी भी अगर सही सच बोलते हैं ना, मैं एक मौका दूंगी सच बोलने का, अगर सच बोल दिया तो मैं माफ़ कर दूंगी, नहीं तो फिर उसका फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा है, मैंने उनसे पता किया। कहते हैं इस तरह की बकवास तो कोई बहन भाइयों में भी करे तो उसको जेल होगी 3 साल की। तो या नो माफ़ी, नो माफ़ी, नो माफ़ी, कुछ बोल रहे हैं माफ़, डोंट मैंशन एनी बडीज नेम। नो आई एम नॉट मैंशनिंग एनी बडीज नेम, मैं जस्ट ये बोल रही हूँ कि वो बोल रहे हैं कि अगर बहन भाई या हस्बैंड वाइफ में भी इस तरह की कोई बात होती है, कोई किसी को भी राइट नहीं है दैट सोशल मीडिया पर वो इस तरह की बात करे किसी के अगेंस्ट, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है, और किसी को इस तरह नहीं कर सकता कोई भी। तो मैंने कहा था जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं सबको सबकी बैंड बजाती है, तो तभी अभी पाकिस्तान आई हूँ तो थोड़ा काम था, फिर मैंने कहा यार आज रेस्ट करती हूँ, आज ना वेट करती हूँ। नो माफ़ी बोल रहे हैं, माफ़ी यार देखो, एडमिट कर लो, एडमिट कर लो अपनी गलती, तो शायद मेरा दिल नहीं कर यार, मैं मुझे ख्याल आ जाता है किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी रोज़ी का ज़रिया है, ठीक है, मेरा फिर भी मेरे माइंड में आ जाता है नहीं यार उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको ये कर दिया फिर उसके बच्चों का क्या होगा, बद्दुआएं देंगे। तो अगर माफ़ी मांग ली ठीक है, तो देखो माफ़ी करने वाला, माफ़ी देने वाला बड़ा होता है, ठीक है, अगर उसने माफ़ी मांग ली मैं और सोशल मीडिया पे ही एक्सेप्ट कर ले कि उसकी गलती है तो मैं माफ़ कर दूँगी, ठीक है। किसी को इस तरह डिफेम करना, बदनाम करना, झूठी झूठे फेक मैसेजेस बनाना इज़ नॉट गुड, बट एक इंसान अगर अपनी गलती मान लेता है तो उसको माफ़ी मिल जाती है। अगर देखो नहीं नहीं नहीं, अपोलॉजी वीडियो अगर आ जाती है, हर चीज़ सही सही बोल देता तो मैं सच में माफ़ कर दूँगी, ठीक है। मुझे ख्याल है उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके उसका है, उसने बहन बोल के इस तरह की है,
पाकिस्तान में नहीं मिलता इंसाफ। पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलता भाई इंसाफ, अपने मुल्क को बुरा मत बोलो, ठीक है। मेरे पास बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं जो छितर भी पढ़वा सकते हैं। यस, इफ़ ही एग्री एंड एडमिट हिज मिस्टेक देन या हाँ हाँ सईद, तो या मुझे बोलते ना कुरान पे हाथ रखो, तुम कुरान पे हाथ रख के बोलो ये सब जो बनाया है ये रियल है, कुछ भी फेक नहीं बना, कुरान पे हाथ रख के तुम बोलो, ठीक है। तो मैं भी मान लूँगी कि तुमने कुछ नहीं किया, मैं भी मान लूँगी। कि सब कुछ सच है, सब कुछ भी फेक नहीं बनाया, ठीक है, मानो ना भाई, अपनी गलती तो माननी चाहिए। ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, ही नीड टू अपोलोजाइज। देखो किसी भी लड़की को इस तरह किसी भी लड़की के बारे में नहीं बोलना चाहिए, और पैसों के लिए या फेम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और एक महीने की सैलरी आ जाएगी ना यूट्यूब से, कितना पैसा आ जाएगा, एक महीने की सैलरी आ जाएगी, एक महीना कितना खा लोगे, और जो 3 साल की जेल होगी और जो जुर्माना होगा 13 लाख का, वो कौन भरेगा। मैं चाहती हूँ भाई, हम पहले ही ऑफिसर्स में बहुत पैसे दे चुके हैं ये इधर उधर, और मेरे भी पैसे ना लगवाओ, अपने भी ना लगवाओ, ठीक है। मेरे पास तो है, मैं तो लगा लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये जो फेक बातें जिसने भी की हैं, मैं फिर भी एक चांस दे देती हूँ लोगों को, मैं फिर भी ट्रस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि भाई अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं ना, वो भी तो लोगों पे पर्दे रख देते हैं ना, वो भी तो लोगों पे पर्दे रख देते हैं। हम कौन होते हैं किसी को इस तरह जलील करवाने वाले, मेरे में वो आदत नहीं है, बदला लूँ। किसी से भी लाइव में, हाँ लाइव में बोलना चाहिए, बना के लगानी चाहिए, जहाँ जैसे पहले लगाई थी वीडियो बना के लगानी चाहिए। माफी की, अपनी गलती मान लो, तुझे याद कर लिया, आयत की तरह ले लिया, डोंट वरी यार, सच कभी ना कभी सामने आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भाई आपके बच्चे रोए। कायम तू हो गई है रिवायत की तरह, तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तुझे याद कर लिया है। क्या इंसान के पास इतना बड़ा दिल नहीं है, अल्लाह ताला ने इंसान का दिल बनाया ना, माफ करने वाला बड़ा होता है हमेशा, लेकिन झूठ क्या है सच क्या है वो तो सामने आ जाता है, लेकिन झूठ क्या सच क्या है वो तो सामने आ भी जाता है। वो तो मैं एक रिएक्शन वीडियो बना दूंगी उस पर, वो भी सच पता चल जाएगा। यूट्यूब पे मैंने लगा तो दिया था, बट उसकी मैं एक रिएक्शन वीडियो बना लूंगी, वो तो सच पता चल जाएगा भाई। उसमें अंधे को भी पता चल रहा है, नाम में भी फ़र्क है, कॉल ऑप्शन में भी फ़र्क है, जो फेक चैट है नाम में भी फ़र्क है, वो कॉल ऑप्शन में भी फ़र्क है, अंधे को भी पता चल रहा है कि ये फेक बनी हुई है। तो एक दफ़ा मान लो भाई, अपने मुँह से माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा। अब भाई मैंने भी आपके बच्चों का नहीं सोचना, कब तक भाई किसी की इज्जत को आप टारगेट करोगे तो वो तो अगला बंदा चुप तो नहीं रहेगा ना। लेकिन मैं फिर भी लोगों को चांस दे देती हूँ भाई, ठीक है, किसी इंसान के हाथ में नहीं होती इज्जत जिल्लत, लेकिन आप
नौजुला आप खुदा बनने की कोशिश भी नहीं किया करो कि आप किसी को ज़माने में जलील करवा लोगे या रुस्वा करवा लोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अलरिश ऑफिशियल, थैंक यू सो मच, बिल्कुल मैंने देखा है, ठीक है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मैं कहती हूँ यार सबके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्होंने भी अपनी रोज़ी कमानी होती है, क्या पता उनका कोई और हो कमाने वाला, नहीं हो, बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरती है मुझे पता है। और फिर मैं नहीं चाहती कि सारी ज़िंदगी मैं बददुआएं लूँ लोगों की, बच्चों की, जो इस तरह के घटिया लोग हैं उनके भी तो बच्चे हैं ना, उनका क्या कसूर है। मैं नहीं चाहती कि मैं सारी ज़िंदगी उनकी बददुआएं लूँ। किस टॉपिक पे बात हो रही है? मैं यार ये कुत्ते लोग हैं ना, इस तरह बगैरती करते हैं, जो फिर किसी की बेटी पे बात करते हैं, उनके घर में अपनी भी बेटियां होती हैं फिर भी इस तरह की बात करते हैं, तो बहुत ही घटिया हरकतें की हैं आवाम ने। लेकिन मैं फिर भी ये कह रही हूँ क्योंकि आज मैं कंप्लेन वगैरह मैं सब करवा के आई हूँ, तो उन्होंने कहा 48 आवर्स का टाइम दीजिए, तो उसमें आप अपनी कंप्लेन वापस भी ले सकती हैं। उन्होंने कहा आप एक दफ़ा दोबारा सोच लें, तो इसके लिए लाइक बहुत ख़र्चा हो जाएगा, वकील भी करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से वकील भी होगा। मेरे पास तो सारे एविडेंस हैं, मैं तो दे दूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं पैसे भी लगा लूँगी, उसका कोई मसला नहीं है। तो या लेकिन उसको बहुत मसला होगा, उसने जो ये सब कमाया है ना, इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा लग जाएगा उसका। थैंक यू लोरा, उसका ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि भाई उसके बच्चे मुझे बददुआएं दें कि यार हमारी रोज़ी रोटी का कुछ हो गया, तो मैं किसी की रोज़ी रोटी पे टांग नहीं मारना चाहती। उसका काम है, वो करे, मैं उसको नहीं रोक रही, बट माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसने गलत किया उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। या ही नीड टू अपोलोजाइज, या माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन माफ़ी मांग लेगा तो उसमें उसी का फ़ायदा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिसकी इज्जत चली जाती है वो वापस तो नहीं आती ना। लेकिन ऐसे घटिया लोग किसी की